नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है जीबीसी ब्रेकिंग में। तो फाइनली दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बॉबी देओल की जो कि वेब सीरीज आश्रम सीजन 3 के ओटीटी व्यू के बारे में। और वहीं दोस्तों आप लोग बताएंगे कि बॉबी देओल की आश्रम सीजन 3 वेब सीरीज जो कि अपने आज के दिन ओटीटी प्लेटफॉर्म पे कितने व्यू हासिल कर रही है, और साथ ही साथ आश्रम सीजन 3 को आज के दिन ऑडियंस और क्रिटिक्स क्या रिव्यू दिया और क्या कहा इसके बारे में। तो दोस्तों, अगर आप लोग हमारे और आपके चैनल जीबीसी ब्रेकिंग पे नए हैं तो जीबीसी ब्रेकिंग को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर हिट करें ताकि हमारी ऐसी लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को मिलती रहे सबसे पहले। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं, देखते रहेगा पूरा वीडियो। बॉबी देओल की आश्रम सीजन 3 ये वेब सीरीज जो कि ऑडियंस को बहुत ही अच्छी लगी, क्योंकि ऑडियंस इस वेब सीरीज से कनेक्ट कर रही है। और साथ ही साथ बॉबी देओल ने जिस तरीके से एक्टिंग करी है आश्रम सीजन 3 में, और जिस तरीके से कैरेक्टर डाले गए हैं, और जिस तरीके से बॉबी देओल की एंट्री दिखाई गई है आश्रम सीजन 3 में, और वहीं दोस्तों आश्रम सीजन 1 और आश्रम सीजन 2 में जिस तरीके से स्टोरी को प्रेजेंट किया गया है ऑडियंस के बीच में और वहीं क्रिटिक्स के बीच में, क्रिटिक्स ने बहुत ही अच्छे खासे रिव्यू और साथ ही साथ इसे अच्छे खासे रेटिंग भी दी है, और ऑडियंस ने भी इसे अच्छे खासे रिव्यू और वहीं अच्छी खासी रेटिंग भी दी है। हालांकि इसका पहला सीजन और दूसरा सीजन बहुत ही ब्लॉकबस्टर रहा है ओटीटी प्लेटफॉर्म पे, इसी कारण इसे जो कि तीसरे सीजन को बहुत ही अच्छा खासा प्यार मिला है। हालांकि सारे ही कैरेक्टर जो कि पहले सीजन और दूसरे सीजन के ही थे, लेकिन आश्रम सीजन 3 में जो कि एक नया कैरेक्टर डाला गया ईशा गुप्ता का। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को बताए चले कि ईशा गुप्ता भी इसमें नजर आई है आश्रम सीजन 3 में। हालांकि उनके बहुत ही कम और बहुत ही छोटे छोटे रोल थे, लेकिन जितने भी थे बहुत ही प्यारे थे। हालांकि बॉबी देओल और वहीं ईशा गुप्ता की बहुत ही जोरदार और बहुत ही शानदार तरीके से एंट्री दिखाई गई, और साथ ही साथ ऑडियंस ने बॉबी देओल और वहीं ईशा गुप्ता को बहुत ही अच्छा खासा पसंद भी किया। हालांकि आश्रम सीजन 3 ने मात्र 32 घंटों में ही 100 मिलियन का आंकड़ा पार कर लिया, और ये ऐसी वेब सीरीज बन गई जिसे कोई भी नहीं पीछे कर सकता। दोस्तों आप लोगों को बताया चले कि आश्रम सीजन 3 वो वेब सीरीज बन चुकी है जिससे ऑडियंस, क्रिटिक्स और साथ ही साथ आप लोगों को बताया चले कि अदर कंट्रियों में भी देखा जा रहा है इस वेब सीरीज को। हालांकि ये MX प्लेयर पर आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं बॉबी देओल की वेब सीरीज के आज के ओटीटी व्यू के बारे में। तो आप लोगों को बताया चले कि आज के दिन भी अच्छा खासा प्रदर्शन कर रही है आश्रम सीजन 3 ओटीटी पर, और साथ ही साथ ऑडियंस और वहीं क्रिटिक्स का दिल आज भी जीत रही है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को बताया चले कि बॉबी देओल की आश्रम सीजन 3 वेब सीरीज अपने आज के दिन कम से कम 30 मिलियन व्यू हासिल कर रही है ओटीटी प्लेटफॉर्म पे। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने आश्रम सीजन 3 वेब सीरीज देखी है तो आप लोगों को आश्रम सीजन 3 वेब सीरीज कैसी लगी, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। और साथ ही साथ हमारे और आपके चैनल जीबीसी ब्रेकिंग पे अगर आप लोग नए हैं तो जीबीसी ब्रेकिंग को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर हिट करें ताकि हमारी ऐसी लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को मिलती रहे सबसे पहले। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।